रोहतक में नवनियुक्त इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब लेकर भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब पिकवाने और खाली ख्वाब लेने से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। नफे सिंह राठी ने दावा किया है कि आने वाले एक साल के भीतर इनेलो पार्टी पहले की तरह ही हो जाएगी और आने वाली सरकार इनेलो की होगी। जो पीटीआई टीचर धरने पर बैठे वो पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हम उनको भी समर्थन देने के लिए आए हैं। एक साल के अंदर अंदर जो गोहाना रैली से पहले जो पार्टी थी इंडियन नेशनल उदल पार्टी, उससे ज़्यादा मजबूत देखोगे आप इंडियन नेशनल उदल पार्टी। केवल शराब बिकवाने से हरियाणा का भला नहीं हो सकता, लोगों का रोजगार दो, जनता को जो दिक्कतें हैं उनको दूर करो। कहने को तो अपोजिशन के लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना ही है। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में लगातार दूसरी पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जेजेपी के नेता कहते हैं कि भाई इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो उनकी अपनी सोच है, वो कुछ भी कहें, लेकिन वो हताशा की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का जनाधार लगातार खिसक रहा है और वो जो लोग बंगलाई में आगे थे, बहकाई में आगे थे, वो अब जेजेपी बीजेपी छोड़ करके वापस इंडियन नेशनल पार्टी में शामिल हो गए। दुख तो हुआ ना आपके सुप्रीमो के परिवार के स्वार्थ में, उनको ठेस तो सुप्रीमो का कोई स्वार्थ नहीं था, परिवार का तो है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो अब भी पीछे भी बयान दिया था कि हम डिप्टी सीएम के हम तो सीएम ही बना देते, क्या स्वार्थ था, कुछ भी नहीं था। लेकिन स्वार्थ तो उनका था जो जल्दबाजी में दूसरी पार्टी की बहकाई में आकर के सीएम के ख्वाब ले लिए जिसने, उनका स्वार्थ था और वो हरियाणा की जनता अच्छी तरह से जानती है। तो आपको दुख है पार्टी अलग होने का? देखिए, पार्टी अलग होने से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला है और भारतीय जनता पार्टी की ही नीति थी कि इंडियन नेशनल पार्टी को कैसे दो खड़ा किया जाए और उस नीति में वो लोग आगे। लेकिन जो उनके साथ गए थे अब वो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भाई ये तो गेम ही दूसरा था। वो तो जो राम कुमार गौतम जी हैं, हमारे हरियाणा के एमएलए हैं, जेजेपी के विधायक हैं, वो तो उन्होंने कह दिया कि सौदा ही कुछ नहीं है, वापिस आने चाहे तो स्वागत है उनका।